नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में आपको बताते हैं कि कैसे गोल्ड लोन ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, कैसे कोई भी छोटा सा स्टाफ एक गोल्ड लोन ऑफिसर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सिर्फ उसको अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वह कस्टमर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बना सकता है, क्योंकि जिस गोल्ड ऑफिसर का कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा होगा वही ऑफिसर कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, जिस ऑफिसर को ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि कैसे किस प्रकार की ट्रेनिंग हो कि गोल्ड लोन वाला कोई भी छोटा सा असिस्टेंट एक ऑफिसर लेवल पर पहुंचकर कस्टमर को सेटिस्फाई करे और कंपनी को बेनिफिट करे, क्योंकि अगर जिस कंपनी का कस्टमर सेटिस्फाई होगा वह उस कंपनी से लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, और अगर कस्टमर लंबे समय तक जुड़ा रहेगा तो नेचुरली है कंपनी ऊंचाइयों पर जाएगी। तो इस ये जो सारा सर्कुलेशन है यह एक ऑफिसर पे डिपेंड करता है, और ऑफिसर कैसा होगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी अगर वो ट्रेनिंग अच्छी लेगा तो वह किसी भी दूसरी कंपनी की तरफ नहीं जाएगा और एक कंपनी में सेटल होगा। नंबर एक, अब उस ऑफिसर को सबसे पहले तो कस्टमर रिलेशन की ट्रेनिंग दी जाए। नंबर दो, उस स्टाफ को गोल्ड, अगर वह गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में है तो उसको गोल्ड की पूरी प्योरिटी, गोल्ड की कैलकुलेशन, गोल्ड की जो शुद्धता है, उसके जो मानक हैं ISI मार्क, इन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वह बड़ी आसानी से गोल्ड को कैलकुलेशन कर सके। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस कस्टमर को वह लोन दे रहा है, क्या वह उसको उसकी EMI, उसका इंटरेस्ट, उसकी गोल्ड की वैल्यू, यह सारी जानकारी दे रहा है। अगर हम उसको इन चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे तो वह नेचुरली है कि इस सब की जानकारी कस्टमर तक टाइम टू टाइम पहुंचेगी। इसके साथ ही अगर वह कैलकुलेशन में माहिर है तो वह ऑन दी स्पॉट कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा कि सर आपका 10,000 पे 2% के अकॉर्डिंग इतना ब्याज बनेगा। अगर हमने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी, अगर हमने उसको EMI कैलकुलेशन का जो हमारा ब्यूरो है, मानक ब्यूरो है, अगर हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया ट्रेनिंग के दौरान, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक अच्छे गोल्ड लोन ऑफिसर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी, NBFC कंपनी ट्रेनिंग के माध्यम से अपने स्टाफ को दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों।